में दहशत फैला रहे कोरोना वायरस ने अब हिंदुस्तान में एंट्री ले ली है। दिल्ली, नोएडा और आगरा से कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। अब इस मामले पर केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर बड़ी बैठक की है। पीएम ने साथ ही देशवासियों को भरोसा दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों को उन्होंने रिव्यू किया है। कई मंत्रालय और राज्य इस मसले पर एक साथ काम कर रहे हैं। भारत आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और सभी मेडिकल जांच की जा रही है। पीएम ने लिखा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इससे लड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। कुछ अहम कदम सभी को उठाने होंगे, जिससे सावधानी बरती जाए। वहीं बजट सत्र के दौरान संसद में भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिला है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा संसद में मास्क लगाकर पहुंची। बता दें कि कोरोना वायरस के भारत में कई केस सामने आए हैं। देश में अब तक 18 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 15 इटली से आए विदेशी नागरिक भी शामिल है। ऐसे में भारत की ओर हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां आपको बताते चले कि भारत में अभी तक नई दिल्ली, आगरा, नोएडा में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट पर है। समाचार एक्सप्रेस की देखिए यह विशेष रिपोर्ट। नहीं नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, पूछूंगा। कोरोना वायरस के लिए हमने सारे अपने जो अस्पताल हैं उनमें हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं। 1 जनवरी के बाद चाइना से जितने लोग आए हैं उन सारों पर हमने निगरानी रखी है, और जिनमें कुछ सिम्टम पाए जाते थे उनको हमने जो आइसोलेशन वार्ड हैं उनमें भी रखा है। 15 केसेस को ऐसा हमने रखा है, और सारों के हमने टेस्ट कराए हैं कोरोना वायरस के लिए, और सभी के नेगेटिव पाए गए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.